आते आते फोन पर सुन रहा था कि भ्रष्टाचार में लूट लिया इन्होंने, इन्होंने मध्य प्रदेश की मिट्टी को बेच दिया, इन्होंने हमारे शहीदों के कफनों में पैसे खा लिए, कोई ऐसा वर्ग छोड़ा नहीं, इन्होंने बेरोजगारी फैला दी। तो मैं सोच रहा था आते आते कि शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय जैसे शहीदों की आत्मा आज क्या सोच रही होगी कि ये दिन देखने के लिए देश आजाद करवाया था कि अंग्रेज निकल जाएं और ये काले अंग्रेज आ जाएं, ये लूटने लग जाएं। बस अंग्रेजों में भी, अंग्रेजों ने भी इतना नहीं लूटा होगा 200 साल में जितना अपने वाले लूट रहे हैं। फर्क कितना है, अंग्रेज इकट्ठे 200 साल लूट गए, ये 5-5 साल की किश्तें दे रहे हैं। ये लूट बंद हो सकती है। चुराहट के मैं आज सभी नागरिकों को, समझदार लोगों को बताना चाहता हूं, ये लूट बंद हो सकती है। ये जो बड़े बड़े अपने आप को कहलाते हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता, इनके तख्ते पलटे जा सकते हैं, क्योंकि जनता को 5 साल में एक दिन मिलता है, एक दिन में सिर्फ 9 घंटे मिलते हैं, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक। अगर वो वाला दिन जनता ये तय करके देश के नाम लगा दे कि मैं आज का दिन भगत सिंह के नाम लगाऊंगा, मैं आज का दिन देश के शहीदों के नाम लगाऊंगा, मैं आज का दिन बिरसा मुंडा के नाम लगा दूंगा, तो ये सब व्यवस्था बदल सकती है 17 नवंबर को झाड़ू वाला बटन दबा के। शिवराज चौहान जी, आप ये कब बताने वाले हैं मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार के जरिए और कितना खाने वाले हैं? वैसे भी अगले महीने आप जाने वाले हैं, कम से कम जाते जाते ही बता दो अच्छे दिन कब आने वाले हैं। नहीं आने वाले, नहीं आने वाले। एक बात मैं दिल्ली और पंजाब के तजर्बे से बोल रहा हूं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार तीसरी बार बनी है, पंजाब में हमें 1.5 साल हो गया सरकार बने हुए। ये मोदी और ये शिवराज चौहान और ये भाजपा के अच्छे दिन आए ना आए, कब आएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में अरविंद केजरीवाल वाले सच्चे दिन जरूर आने वाले हैं, सच्चाई का राज आने वाला। देखिए पंजाब जाके हमने आते ही भ्रष्टाचार के खिलाफ एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया, व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया, और लोगों को ये बोल दिया जब आप सरकारी दफ्तर में जाओगे वहां कोई सरकारी बाबू आपसे पैसे मांगेगा कि इसके तो इतने पैसे लगेंगे, ये जाति प्रमाण सर्टिफिकेट बनाना इतने पैसे देंगे तो बनेगा, ये कागज आपका इतने पैसे लगेंगे, तो हमने पंजाबियों को बोल दिया पैसे देने से मना मत करना, जेब में हाथ डालना, पैसे मत निकालना, फोन निकालना, उस आदमी की फोटो खींच लेना या वीडियो बना देना, इस फोन नंबर पर डाल देना, बाकी काम हमारा। भाई साहब 450 से ज्यादा अधिकारी जेल में बैठे हैं उस फोन नंबर की वजह से, ऐसे खत्म होगा भाई साहब। हमने एक पूर्व मंत्री के घर पे छापा मारा, इंडस्ट्री का मिनिस्टर था, फैक्ट्रियां जो लगती हैं जिन्होंने बहुत रोजगार देना होता है, उनका मंत्री था भाई साहब, छापा मारा, पैसे मिले, पता ही था कि उसके बारे में कोई पैसे लेता है, नकदी मिली, घर की तलाशी ली,
बड़े बड़े सोफा सेट, महंगे महंगे बर्तन, बाथरूम में सोने की टूटियां, चलो ये भी मान सकते हैं, हो सकता होंगे। एक चीज ऐसी मिली चौराहट वालों जिसको देखकर हैरानी हो गई और दिल को दुख भी हुआ, नोट गिनने वाली मशीन मिली उसके घर से। आप मुझे बता दीजिए, माएं बहनें बैठी हैं, ये चूल्हा संभालती हैं, आपके घर पे नोट गिनने वाली मशीन है? अबे नोट ही नहीं है तो नोट गिनने वाली मशीन कहां से आ जाएगी? जो 2-4 हजार रुपया घर पे इमरजेंसी के लिए पड़ा था, खास तौर पे माओं बहनों ने रखा हुआ था, वो नोटबंदी करके मोदी जी निकाल के ले गए। महिलाओं के साथ बहुत बुरी हुई, इनको आदत होती है थोड़ा पति से बिना बताए रख लेते, अच्छी आदत होती है वैसे, बिना बताए अलग से पैसे रख लेती हैं, चलो किसी इमरजेंसी में काम आ जाएंगी। रातों रात मोदी ने नोट बंद कर दिए, ना बताने के लायक ना छुपाने के लायक, बताती हैं तो पति झगड़ा करता है, ये कहां से पैसे आए हैं चोरी के। मैंने एक कार्यक्रम में पंजाब में बोल दिया तो मेरी गाड़ी के पास माएं बहनें आई, मेरे सर पे हाथ रख के बोली, बेटा बिल्कुल सही बोला है, माइक कैसे बदला के लेके आई है, ये हालत है। अब नोट गिनने वाली मशीन कहां से मिलेगी? करप्ट बंदे के घर से, या तो बैंक से। इसीलिए मैं कह सकता हूं 17 नवंबर को जागते रहना। 17 नवंबर वाला दिन जागने का दिन है, उस दिन इधर उधर की ही रिश्तेदारी में मत चले जाना, उस दिन को छुट्टी का दिन मत मान लेना, वो दिन आप हमें दे दो, उसके बाद 5 साल हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको क्या देंगे। खालसा जी, खालसा जी, फतेह। तो ये सब कुछ हो सकता है, नीयत साफ होनी चाहिए।